बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले देव देवेश्वर मैं पूछता हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती हैं उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामीन यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा नृपश्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, उसका नाम है मोक्षा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हो वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्ने अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले ब्राह्मणों मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए इसमें मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं कहां जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों वह व्रत वह तप और वह योग जिसमें मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले राजन यहाँ से निकट पर्वत मुनि का महान आश्रम है, भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले स्वामिन आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है मेरे पितर नरक में पड़े हैं, अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होता है। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले महाराज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो, उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वेखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।